Perdón. हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब बच्चे? हेलो मिरेकल, तेजाश्री, अमन, सिमरन, शिव, चिरंजीव, बादल, करण, रुचिता राठौड़, सिमरन, दिव्यानी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सब बच्चे? तो आज नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। सबको हार्ड लगती है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। तो आज हम सारे डाउट क्लियर करके जाने वाले हैं हमारे इस सेशन के बाद जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स बच्चे ऐसा यूनिट है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। हाय राकेश, अजी पी, गुड आफ्टरनून बच्चे। अजय प्रताप, श्रद्धा, मोहम्मद अफसर, नदीम, मीना, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के माइंड के अंदर। बट हम जिस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा जेनेटिक्स के अंदर, वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि जो बच्चा वीकेस्ट है जेनेटिक्स के अंदर, चाहे और चाहे जिसको एक वो बच्चा जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है, दोनों के लिए कुछ नया और कुछ एक अलग पैटर्न हम लेके चलने वाले हैं। बहुत अच्छे से इस यूनिट को समझेंगे, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे, शुरू से लेके चलेंगे, बेसिक पॉइंट्स को समझते हुए, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि जेनेटिक्स के अंदर जो सवाल आते हैं वो जनरली बेसिक चीज़ों से उठा के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई लैंग्वेज को करके और उसको कॉम्प्लेक्स शो कर दिया जाता है, जबकि वो सवाल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। पर ये खासियत है जेनेटिक्स की यूनिट की कि यहाँ के सिंपल सवाल को भी वो कॉम्प्लेक्स बना के शो तुम्हारे सामने कर देगा, एंड देन यू विल बी गॉट कन्फ्यूज और वहां पे नेगेटिव मार्किंग के जिसका चांसेस बढ़ जाएंगे। श्रद्धा बोल रहे हैं, सर आई टेक ओनली मेंटी क्यूजेस। तो बच्चे, टू परफॉर्म इन मेंटी यू हैव टू अटेंड द थ्योरी क्लासेस, इट्स मस्ट टू अटेंड थ्योरी क्लासेस। समझ गए बात को? बहुत सही चीज बताने जा रहा हूं आज जेनेटिक्स में। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बुलाओ, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग सेशन ऑन दिस अमेजिंग यूनिट। ठीक है, दिस इज माई फेवरेट यूनिट। ये मुझे सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना ही नहीं, पढ़ना भी बहुत पसंद है। जेनेटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी गारंटी है कि मुझसे पढ़ने के बाद तुमको भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। चले फिर हम लोग स्टार्ट करें। एज यूजल बहुत सारे बच्चे जो है वो नए आए हैं, जैसे कि अभिषेक, हेलो, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच बादल। आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल श्रद्धा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। चलिए चलिए, तो लेट्स सी। सबसे पहले यू हैव टू डू व्हाट, जस्ट गो ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ई करियर पॉइंट ऐप इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। बच्चे, नोट्स बहुत जरूरी हैं, हर लेक्चर के नोट्स बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट द नोट्स फॉर दिस लेक्चर और एनी लेक्चर विच इज अकरिंग ऑन द यूट्यूब, देन यू हैव टू गो ऑन द ई लर्निंग ऐप ऑफ करियर पॉइंट। वहां पे तुमको जाना होगा, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट ऐप वेदर यू आर ऑफ अपियरिंग फॉर जेई और नीट। ये ऐप बहुत ज़्यादा जरूरी, इस ऐप के अंदर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, टाइम टेबल है, शेड्यूल है हर चीज का और हर चीज के नोट्स है। बिल्कुल सिमी, ये वाली क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, बिल्कुल फ्री है जेनेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड बिल्कुल आप फ्री स्टफ में जाके देखेंगे तो यू गॉट योर फाइल्स। वहां पे मेरी डायग्रामेटिक सीरीज भी रखी है, यू कैन चेक इट ऑल्सो। बहुत सारी चीजें तुमको देखने को मिलने वाली है, तो यू शुड गो एंड एक्सप्लोर द ऐप एंड डाउनलोड द नोट्स ऑफ द लेक्चर विच यू आर अटेंडिंग हेयर। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर इट टू ईच एंड एवरी फ्रेंड यू नो हु इज अपेयरिंग और हु इज गोइंग टू अपेयर फॉर नीट 21, 22 और वेदर ही हैज अटेंडेड 20 और ही वॉन्ट टू परस्यू अ टारगेट बैच, देन वी आर ऑल्सो अपियरिंग ऑर्गेनाइजिंग अ टारगेट बैच। इफ यू हैव गिवन 2020, जो 2020 के बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया है अभी अभी, इफ अगर उनको अपना जानना है रैंक,
कि हमारा रैंक क्या हो सकता है, हमको क्या कॉलेज मिल सकता है, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए, वेदर वी हैव टू वेट, वेदर वी हैव टू वॉच, और वेदर वी कैन रिलैक्स विद अ कंफर्टेबल रैंक। तो आप जाके सिंपली अपनी रैंक जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट सिंपली सबमिट योर मार्क्स विच यू आर गेटिंग बाय चेकिंग द आंसर कीज। अब तो ऑफिशियल आंसर कीज भी अवेलेबल है, यू गो एंड चेक इट, ठीक है, देन यू कैन प्रेडिक्ट योर रैंक ऑल्सो। तो तुम उस हिसाब से अपना जो आगे की तैयारी है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। समझ गए सभी बच्चे बात को समझ रहे हैं? तो चलिए फिर देख लेते हैं ये कोर्स के बारे में। बहुत बात हो चुकी है, जो बच्चा चाहता है नीट 2021 को टारगेट करना वो जाए और डेफिनेटली जाके ये वाला कोर्स को एक्सप्लोर करें। इसमें तुमको सब कुछ मिल रहा है जो तुमको चाहिए, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, हैंडी होगा तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। जस्ट यू हैव टू वॉच द लेक्चर एंड आस्क द डाउट ऑनलाइन, यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑफलाइन इन ऑफलाइन मोड, बहुत ईज होने वाला है। तो ये कोर्स आप लोग ले सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल देवयानी, बिफोर यू सेइंग आई हैव स्टार्टेड मिलन, ओके ओके सिमरन। चलिए तो कुछ बच्चों के बोलने से पहले ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली आते हैं, वो डेली इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, बट इट इज फॉर द न्यू वंस। जब तक तुम लोग थोड़ी मस्ती कर लिया करो, मैं अलाउड है तुम्हारे लिए। चले बिल्कुल, आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून सिमी यादव। क्लास का टाइमिंग अभी जो हो रहा है 12 नून से चालू होती है यूट्यूब पे मेरी क्लास, तो यू हैव टू अटेंड इट। चलिए जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो तुम लोग देख सकते हो जेनेटिक्स के अंदर देयर आर टू डीएनए एंड अ ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये जो पिक्चर है ये क्या बता रही है हमको? ये पिक्चर ये बता रही है कि एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू आर परफॉर्मिंग और हाउ यू आर लुकिंग और वॉट यू आर डूइंग, हाउ वॉट इज द कलर ऑफ योर हेयर और वॉट इज द कलर ऑफ योर आई, इनफैक्ट योर हाइट, योर वेट, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द टर्म विच इज अ जीन। एवरीथिंग डिपेंड ऑन अ टर्म विच इज कॉल्ड एज जीन इन बायोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ इट इज जेनेटिक्स। सिंपली मैं बात करूँ तो बहुत आसानी से हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। हमारी सारी इंफॉर्मेशन एनकोडेड है एक कोड के अंदर जिसको हम जीन्स बोलते हैं, और वो जीन्स क्रोमोजोम में होते हैं और डीएनए के अंदर होते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए कि वॉट वी आर एक्टिंग एंड वॉट वी आर, वो कहाँ से आता है हमारे पास में? फ्रॉम आर पेरेंट्स। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जो हमको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये यूनिट चलने वाली है, किस तरीके की वेरिएशंस और हेरिडिटी हम ले रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द जीनोम और व्हाट इज़ द जीन मैप ऑफ आर पेरेंट एंड व्हाट दे हैव ट्रांसफर टू अस। दो तीन तरीके की इनहेरिटेंस होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इनहेरिटेंस ऐसी होती है जो हमको बिना किसी एफर्ट के मिल जाती है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, जिनको हम इनहेरिटेड वेरिएशन बोलते हैं। और कुछ होती है इसको एक्वायर्ड, यू हैव टू एक्वायर दैट, मीन्स इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू हैव टू मेक एफर्ट, यू हैव टू अटेंड क्लासेस, यू हैव टू गिव टेस्ट, यू हैव टू बी अ प्रॉपर रेगुलर, यू हैव टू डू अ प्रॉपर रेगुलर स्टडीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। इफ यू लर्न, इफ यू वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग देन यू हैव टू लर्न इट, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो नहीं आएगा तुम्हारे पेरेंट्स से। मीन्स इफ योर फादर इज अ डॉक्टर डज नॉट मीन दैट यू विल बी अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द जेनेटिकल हिस्ट्री, यू विल बी अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू आर जेनेटिकल हिस्ट्री। तो सभी बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे, और इस बात को ध्यान रखना है कि कैरेक्टर जो है हमारा, जो नाम है दुनिया में, वो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर से जाना जाएगा, ना कि इनहेरिटेड कैरेक्टर से जाना जाएगा। समझ गए बात? सभी बच्चे बात को समझ रहे हैं? अगर ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहो सेशन को। लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ द जेनेटिक्स। लेट्स अंडरस्टैंड what is actually the genetic means, what is actually genetic is. Genetics is the branch of the biology that deals with the study of the heredity and variation. It simply deals with the study of the heredity and variation. अब इसकी शुरुआत की है वो हमको इस डायग्राम से समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम ही डीएनए होता है या डीएनए ही क्रोमोजोम है, या फिर जीन का मतलब डीएनए है या फिर जीन का मतलब ही क्रोमोजोम है। सही बात है, मैं सही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है या नहीं है बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्रोमोजोम डीएनए है, डीएनए क्रोमोजोम है, या फिर जीन जो है वो क्रोमोजोम पे होता है, डीएनए पे होता है, ये सब एक सिंगल यूनिट के लिए कैसे काम करते हैं, होता है या नहीं होता है ये कन्फ्यूजन? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर होता है, बिल्कुल से होता है। तो सबसे पहले हमको इस कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है।
मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को बेसिक चीज़ ज़रूर से पता होनी चाहिए सो दैट दे कैन नॉट बी गेट कन्फ्यूज इन द टर्मिनोलॉजी यूज इन द क्वेश्चन. जो सवालों के अंदर घुमा फिरा के वो क्रोमोसोम की जगह जीन, जीन की जगह डीएनए, डीएनए की जगह जेनेटिक्स डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, उन सब टर्मिनोलॉजी से, उस सब टर्मिनोलॉजी से हम लोग कन्फ्यूज ना हों. इसलिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, और डीएनए पे मिलने वाले जीन किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली किस तरीके से प्रेजेंट है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसी के लिए ये डायग्राम जो है वो बहुत मदद करेगा. ये मैंने क्रोमोसोम से स्टार्ट किया हुआ है बच्चों, यू कैन सी दैट हियर इज द क्रोमोसोम. ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम दिखा रहा है, ठीक है. इसको मैग्नीफाई किया हुआ है, इस क्रोमोसोम को, क्रोमेटिन थ्रेड को. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं इसको धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, अनवाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो चीज़ है उसको मैग्नीफाई करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की. तुम देख सकते हो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमेटिन फाइबर है, समझ रहे हो, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमेटिन फाइबर है. अगर तुम बोलोगे कि सर यहाँ से ये जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि पैकेजिंग इस तरीके से बन रही है, ये हमारा हाइएस्ट पार्ट है क्रोमोसोम, इसी के अंदर सब है. बच्चे आज का लेक्चर तो तू पढ़, कितने लेक्चर लगेंगे, बहुत लेक्चर लगेंगे, और बीच में बहुत सारे मेंटी क्यूजेस भी होने वाले हैं, चिंता मत करो. ये वाला जो जेनेटिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को, इससे अच्छा जेनेटिक्स तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है तुमको, ठीक है. तो अभी फिक्र ये मत करो कितने लेक्चर लगेंगे, क्या लगेंगे, अभी फिक्र ये करो कि जो चल रहा है अभी उसमें कितना मज़ा आ रहा है, वो कितना समझ में आ रहा है, समझ गए बात को. तो लेट्स अंडरस्टैंड क्रोमेटिन फाइबर. अब मैं इसको अनवाइंड करूंगा तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये है न्यूक्लियोसोम जो कि बर्ड्स बने हुए हैं, इनको ऑक्टामर बोलते हैं. इसको और अनवाइंड किया तो इस तरीके के स्ट्रक्चर तुमको एनसीईआरटी में दिखे होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर यू हैव सीन इन एनसीईआरटी. ये देखा है स्ट्रक्चर इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर किसने देखा है एनसीईआरटी में, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे आंसर चाहिए कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से जल्दी जल्दी मुझे आंसर चाहिए कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को आखिर क्या बोला जाता है, क्या है ये न्यूक्लियोसोम. वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड बच्चे तेडू माडू, वेरी गुड अनुराग, धनजीत, सज्जन, नरेंद्र, अमन, बिल्कुल मिराकल, काजल, देवयानी, अजय प्रताप, श्रीराम, सोहन, करण, सोनम, धन बहादुर, आयुषी पांडे, अनुराधा एंड करण, अंकित, वेरी गुड बच्चों, बहुत लकी बॉय हैज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर. देवयानी, किशन प्रताप जी, किशन पांडे, नवल पांडे, पवन कुमार, सिम्मी चौधरी, दुष्यंत, सिमरन गौर, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. इसी तरीके का रेस्पॉन्स चाहिए मुझे. तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा है न्यूक्लियोसोम, वही है यहाँ पे, ये वही है, ठीक है. अब इसको मैंने और, अगर मैं इसको और अच्छे से मैग्नीफाई करूँ तो तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे, डीएनए हेलिक्स दिखेगा. तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे, डीएनए हेलिक्स दिखेगा, और यहीं पर ही जो होते हैं हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, जो कोडोन्स है, वो यहीं डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तभी तुम लोग बात समझ गए होंगे कि सारा खेल जो है क्रोमोसोम एक घर की तरह एक्ट कर रहा है, उसी के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर ही क्या है, कॉइल्ड या फिर पैक्ड डीएनए है, ठीक है. डीएनए पैकेजिंग जो कि न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में बीडिड अपीयरेंस देता है, उसको क्या अपीयरेंस देता है, बीडिड अपीयरेंस, जैसे गांठों की जैसी अपीयरेंस दे रहा है, क्योंकि वहां पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए चल रही है पैकेजिंग ऑफ डीएनए. यू हैव सीन द डायग्राम एंड यू गॉट Definitely right thing that it is a न्यूक्लियोसोम. डायग्राम को देखते ही तुम लोग समझ गए कि ये न्यूक्लियोसोम है, समझ रहे हो बात को. तो इट इज द बेस्ट थिंग टू नो दैट वी हैव क्लियर आर कन्फ्यूजन ऑफ वॉट इज क्रोमोसोम एंड वॉट इज जीन एंड वॉट इज डी एन ए एंड वॉट इज क्रोमेटिन फाइबर. सब एक ही चीज है, जस्ट क्रोमोसोम एक घर की तरह एक्ट कर रहा है, उसको और अंदर जाओगे तो उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर मिलेंगे, और क्रोमेटिन फाइबर के अंदर जाओगे तो तुमको न्यूक्लियोसोम्स मिलेंगे, पैकेट डीएनए मिलेंगे, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, डीएनए बाउंड ऑन द न्यूक्लियोसोम, बीड्स ऑन द स्क्रीन, डीएनए बाउंड ऑन द न्यूक्लियोसोम, एंड देन यू हैव
और अंदर जाओगे और इसको अनवाइंड करोगे तो तुमको डबल हेलिक्स डीएनए मिलेगा और उसके अंदर कोडोन्स मिलेंगे जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर गिविंग एंजाइम एमआरएनए बना के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, जितने एंजाइम हमारी बॉडी में बनने वाले हैं, प्रोटीन बनने वाले हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो ये बात सभी को समझ में आ गई है, सभी को समझ में आ गई है तो एक एक थम्स अप देंगे अपने आप को, लाइक करके बताएंगे मुझे कि यस सर हमको समझ में आ रही है चीज़ें। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड देन। इफ यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट हेयर देन यू शुड गिव अ थम्स अप टू योर सेल्फ एंड वी विल मूव अहेड। ओके देन, थैंक यू सो मच, ग्रेट। थम्स अप इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स बच्चों, थम्स अप इन द फॉर्म ऑफ लाइक। योर लाइक्स इज लाइक एटीपी विच गिव्स मी एनर्जी टू प्रोड्यूस मोर अमेजिंग कंटेंट, मोर क्रिएटिव कंटेंट एंड टू टीच इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करेंगे हमारा चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमारा चैप्टर है उसको शुरू करेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक जेनेटिक्स इसमें समझाई हुई है, पर ये बेसिक जेनेटिक हमारे लेवल से ऊपर है। जेनेटिक्स तो बेसिक है, बात तो बेसिक जेनेटिक्स की हुई है इस चैप्टर में, बट वो बेसिक जेनेटिक्स भी हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी हार्ड है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स। चले बिल्कुल आगे बढ़े, चलिए तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर में हम जनरली क्या पढ़ने वाले हैं कि जो इनहेरिटेंस हो रहे हैं कैरेक्टर्स जो कि एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है, और उनके बारे में पढ़ेंगे किस तरह के कॉम्बिनेशन क्या लीड कर रहा है, और वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो उनका कॉम्बिनेशन जो गए हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनके अंदर कैसी वेरिएशन, वो क्या वेरिएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर के जो मालिक है, इस चैप्टर के क्या जेनेटिक्स के जो मालिक है, जो फादर है, उन्हीं के नाम पर ये चैप्टर चलता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। उनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम, उनके बारे में डिटेल में, उनके बारे में अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे, पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे काम आने वाली है पूरी इस यूनिट के अंदर, चाहे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े, चाहे हम इवोल्यूशन पढ़े, चाहे हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़े, ये जो टर्म्स है ये हमारे हर जगह काम आने वाले हैं। ये टर्म जब तक हमको समझ में नहीं आएंगे, जब तक हम जेनेटिक्स नहीं समझ सकते, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, समझ लो। तो टर्म्स बहुत सारे टर्म्स मैंने बोल दिए हैं, तो अब एक एक करके इन टर्म्स को समझने की जरूरत है, समझ गए बात को, बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत, रुचिता, बिल्कुल आयुषी, मिरेकल बॉय, अमन, चलिए हेरिडिटी की बात करेंगे। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स। यहाँ पे एक बहुत जरूरी अच्छी बात यहाँ पे इसने लिख दी है कि किसका ट्रांसमिशन, जो हेरिटेबल ट्रेट्स है, समझ में आई बात, हेरिटेबल ट्रेट्स। अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी कि कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हेरिटेबल होते हैं और कुछ ट्रेट होते हैं जो नॉन हेरिटेबल होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ हेरिटेबल ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। इस प्रोसेस को जो कैरेक्टर है इनहेरिट हो रहे हैं, जो हेरिडिटी में जो जाएंगे, जो जा सकते हैं, उसको हेरिडिटी बोल दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मेरे ऑफस्प्रिंग में क्या जाएगा मेरी तरफ से, तो हाइट, वेट, जो फिजिकल अपीयरेंसेस है, उसके कैरेक्टर, कलर, ये सब चीज़ें क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं। पर मुझे किस हद तक बायो आती है, किस हद तक मुझे पढ़ाना आता है, किस हद तक जो बच्चे मैंने एक्वायर किए हैं अपनी लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पे, तुम लोगों का प्यार, ये आगे नहीं कंटिन्यू होगा, ये सिर्फ मैंने एक्वायर किया है, ये सिर्फ मेरे एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं, समझ लो, ठीक है। तो ये बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि आदमी का जो इज्जत है दुनिया में वो उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो उसने खुद ने सीखे हैं, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स के बारे में हमने बात कर ली है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन को डील करती है। इनहेरिटेंस क्या होता है, अब सर बहुत देर से इनहेरिटेंस हमने सुन लिया, इनहेरिटेंस को समझने की जरूरत है, इनहेरिटेंस को समझने की जरूरत है। Then you have to plug in your charger.
यू डोंट हैव टू गो, यू हैव टू प्लग इन योर चार्जर मिस्टर किशोर। चलिए, बिल्कुल ऋतु, बहुत सही बात बोली है आपने। चलो, इनहेरिटेंस क्या होती है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड बाय दिस प्रोसेस ओनली ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द ट्रेट्स। कौन से ट्रेट जो हेरिटेबल है वो एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जाएंगे, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस रेस्पॉन्सिबल है। इनहेरिट कर रहे हैं वो, आगे इसको भेज रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, किसको आगे भेजने का काम क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द जीन पूल, जो जीन पूल है, इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो प्रोसेस है कि एक कैरेक्टर को अगले जनरेशन में भेजना, इसको क्या बोला गया है? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस ही वो कारण है, इनहेरिटेंस इज द रीजन वाई द जीन पूल इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द पॉपुलेशन। जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन जीन पूल जो है वो रहते हैं। ठीक है, आज भी अगर हमारे घर में बातें होती है, आज भी अगर हम देखते हैं, वी यूज टू लिसन, वी यूज टू सी वेरियस थिंग्स अबाउट दैट इन आर फैमिली। बहुत बातें ऐसी होती है कि देख, ये अपने दादा पे गया है, ये अपने नाना पे गया है, या इसका जो नाक है वो उसके जैसा है। समझ लो, तो ऐसा कोई ट्रेट जैसे कि इसके जो बाल है ब्राउन है, ऐसे इसके नाना के बाल थे ऐसे ब्राउन, तो ऐसे ट्रेट्स हमको देखने को सुनने को मिलते हैं, क्योंकि वो जीन पूल की कंटिन्यूटी में आ रहा है और वो वही जीन पूल हमारे में भी इनहेरिट हो रहे हैं। तो ये हमको समझना जरूरी है कि किस तरीके से क्या रेस्पॉन्सिबल है, कि ये कैरेक्टर जो 3 से 4 जनरेशन पहले, 200-300 साल पहले हमारे परिवार में थे, और लेकिन आज ये हमारे किसी ऑफस्प्रिंग में या फिर हम में देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है बच्चे? इसका कारण है इनहेरिटेंस, जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। एहसान गेमर, बच्चे बायो के अंदर तो नहीं आएंगे वो, बायो तो पढ़ाने नहीं आ सकते, बायो तो मैं ही पढ़ाने आ सकता हूँ तुमको। ठीक है, बिल्कुल मनदीप कौर, मैं पूरी जेनेटिक्स कराऊंगा, मैंने आते ही बोला है, पूरी जेनेटिक्स डिटेल में कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। बस इफ यू हैव टू कम, सब बच्चों को आना अपने दोस्तों के साथ, तभी हम जेनेटिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। और यू हैव टू मार्क दिस 91 अप टू 191 लाइक्स, जल्दी से इसको 191 पे लेके जाओ, तभी मजा आएगा, तभी ये जेनेटिक्स जो इतने जोश और इतने उत्साह से शुरू हुआ है आज, ये कंटिन्यू कर पाएंगे हम आगे तक। तो ये बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए कि लाइक शेयर और कमेंट की बरसात तुम लोग करते रहो, ताकि हम फ्रेश रहें और कंटेंट रेडी रहे तुम लोगों के लिए हमेशा। समझ गए परवेश और शंकर जी? बिल्कुल प्राकृति, वेरी गुड बच्चे। चलिए, इनहेरिटेंस का शायद हिंदी अनुवांशिकता होता है शायद, ठीक है, यू कैन चेक, अनुवांशिकता इसको बोलते हैं, एक जीन का अगले में ट्रांसफर होना। चलिए, तो इनहेरिटेंस सबको समझ में आ गया, जेनेटिक्स आ गई और हेरिडिटी आ गई। आगे कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जीन्स की बात कर लेते हैं कि सर जीन्स क्या होता है। आपने क्रोमोसोम समझा दिया, आपने क्रोमेटिन फाइबर समझा दिया, आपने डीएनए भी समझा दिया, आपने जेनेटिक कोडोन तक बात करी सर, पर एक बार फिर से जीन बता दीजिए। तो जीन क्या है बच्चे? जीन वो बेसिक यूनिट है। जीन क्या है? जीन एक बेसिक यूनिट है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, अब तो तुम सब जानते हो कि GB क्या होता है, MB क्या होता है, KB क्या होता है, बाइट क्या होता है। ठीक है, तो मैं अगर सुपरफिशियल नॉलेज को लेकर चलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि बाइट क्या है? बेसिक यूनिट हो गई हमारे स्टोरेज, इससे भी नीचे होता होगा, पर फॉर मी लेट कंसिडर द बाइट क्या है, एक बेसिक यूनिट है। बाइट से किलो बाइट बन जाता है KB, KB से मेगाबाइट बन जाता है MB, और MB से गीगाबाइट बन जाता है GB। तो जो बाइट है ना बच्चे, वही जीन है। जीन से बन जाते, जीन जब साथ में आते हैं कोडोन बन जाते हैं, फिर क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म हो जाती है, फिर क्रोमोसोम बन जाते हैं, और लास्ट में ये बड़ा फॉर्म हो जाता है। समझ गए? तो जो बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन की वो क्या है? जीन है। समझ रहे हो तुम बात को? जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जीन है, ऑफ इनहेरिटेंस एंड लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। सिंपल सी बात है, हमने देखा था अभी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर तो ठीक है मिरेकल बॉय, अपन सही बोल रहे हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल मीना कुमारी, बहुत बढ़िया है, आप वहाँ बैठे बैठे भी इतना डिटेल और इतना अच्छा जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हैं टू द करियर पॉइंट, तो यू हैव टू गिव अस लाइक्स, वेरी गुड। द स्टूडेंट लाइक मीना कुमारी गिव्स अस द होप टू रीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स
विच इज़ अवेलेबल इन द रिमोट एरिया. द विजन ऑफ आर सर, दैट इज़ पी एम सर, रेस्पेक्टेड पी एम सर, इज सिंपली दैट वी रीच टू द एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्रेजेंट इन द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ दिस इंडिया. समझ रहे हो, इंडिया के हर एक रिमोटेड एरिया में हमको पहुँचना है. यही विजन, यही सपना है हमारा, हमारा करियर पॉइंट का, कि हम हर एक स्टूडेंट तक पहुँच सके और ऑनलाइन के जरिए उसको जो एजुकेशन है, उसकी जो दिक्कतें हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक और इन फ्यूचर ऑल्सो, वी कंटिन्यू टू गिव यू द अमेजिंग लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ दीज अमेजिंग कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग यू. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स लाइक मीना कुमारी हु आर डूइंग ग्रेट, इवन दे आर लिविंग इन द रिमोट एरियाज ऑफ राजस्थान और यूपी, और वी हैव मैनी स्टूडेंट्स हु आर लिविंग द रिमोट एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, इवन फ्रॉम कश्मीर वी गेट मैनी स्टूडेंट्स. सो आई एम हैप्पी फॉर यू. लाइक वन मोर स्टूडेंट इज सेइंग दैट सर आई एम फ्रॉम नेपाल बॉर्डर. शिव, आई एम वेरी हैप्पी बच्चे दैट यू आर गेटिंग द अमेजिंग कंटेंट एंड यू आर एबल टू स्टडी. दैट इज द मोस्ट प्राउड थिंग वी वॉन्ट एज अ टीम इन करियर पॉइंट. दिस इज आर विजन. थैंक यू सो मच. वी होप यू कीप लर्निंग विद अस. ओके मिरेकल, वेरी गुड. तो आप जैसे बच्चों के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं. बिल्कुल से बच्चों. याशिर अहमद, आई नो बेटा यू हैव, बिल्कुल. चलिए फिर आगे बात कर रहे थे हम, बेसिक यूनिट क्या होती है, जीन होती है. वेरिएशंस की बात करते हैं हम लोग. एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज, वेरिएशन इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. एग्जिस्ट अमंग द वन स्पीशीज, इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज, वेरिएशन इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. किसकी वजह से होता है, दो क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होता है. तुमने जब, अगर तुमको याद होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट सेल डिवीजन की बात करी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे तुम लोग देखते हो कि कुछ इस तरीके के क्या होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, जब ये क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर शो कर देते हैं, तो क्या होती है, वेरिएशंस आती है. क्या होती है, वेरिएशंस आती है. वेरिएशंस क्यों आ रही है, बिकॉज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. दो पेरेंट्स से एक मेल और एक फीमेल है, दोनों के जीन्स आ रहे हैं साथ में, दोनों अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जीनोम का, सो देयर विल बी अ क्रॉसिंग ओवर. तो उसी से क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम, दो डिफरेंट टाइप के जीन्स आ रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर हमको दिख रहा है यहाँ पे. समझ गए, बिल्कुल दुष्यंत, वेरी गुड बच्चे, वेरी वेरी गुड. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. रिकॉम्बिनेशन होता है नए नए जीन का, नए नए करेक्टर का. मान लीजिए एक मैन है, उसके जो हेयर का कलर है वो ब्लैक है, बट ही मैरिड टू अ ब्रिटिश वुमेन, उसके जो वो ब्लॉन्ड है, उसके हेयर का कलर गोल्डन है, गोल्डन वाइट है, सिल्वर टाइप का कलर है, बट उनके ऑफस्प्रिंग का कलर कैसा है, मिक्स्ड भी हो सकता है, या ब्लॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ब्लैक भी हो सकता है. समझ लो, तो एक डिफरेंट वेरिएशन आ सकती है. क्यों आती है, वो क्रॉसिंग ओवर से आती है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट से आती है. एक कैरेक्टर होते हैं बच्चे पेरेंटल कैरेक्टर. तुम बात को समझो, बात को समझने की कोशिश ये करना चाहिए हमको यहाँ पे, कि हम दो तरह के कैरेक्टर्स को समझ लें, कि एक कैरेक्टर होता है पेरेंटल कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलते हैं पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट. पेरेंटल कैरेक्टर वो होते हैं जो सीधा जैसे पेरेंट्स में है वैसे तुम में शो कर रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे, कि अगर ये पेरेंटल कैरेक्टर इनमें आ गए, ठीक है, पर दोनों पेरेंट्स से मिलते जुलते बीच के कैरेक्टर कोई आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ये एक रिकॉम्बिनेंट है. क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है. मेरा मतलब ये है कि अगर मैं रेड रोज और व्हाइट रोज को अगर क्रॉसिंग करा रहा हूं, और मैं अगर पिंक रोज देख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये रिकॉम्बिनेंट है, ये पेरेंटल कैरेक्टर नहीं है. अगर मेरे पास तीन रेड रोज और एक व्हाइट भी आ रहा है, तब मैं क्या बोलूंगा, ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंटल ही है वो. रेड रोज भी एक पेरेंट था और व्हाइट रोज भी एक पेरेंट है, तो कैरेक्टर अगर सेम आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ये पेरेंटल कैरेक्टर आए हैं. और जब रिकॉम्बिनेंट बनेंगे तो हमको एक अलग चीज़ दिखेगी, जिसका बिल्कुल सही दुष्यंत भारती ने बिल्कुल सही रीज़न दिया है, कि सर लिंकेज से होता है. किससे होता है, लिंकेज से होता है. समझ गए बात को, ये बहुत ज़्यादा सही बात दुष्यंत ने बोली है. आई एम वेरी गुड दुष्यंत, वेरी वेरी गुड. इस तरह की क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब बच्चे आगे से मुझे बताते हैं चीज़ें, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को मुझे पढ़ाने. वेरी गुड, थैंक यू सो मच मीना, वी थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, थैंक यू सो मच. चलिए,
देखिए और आगे, म्यूटेशन एक रीजन हो सकता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो ये वेरिएशंस का और बारे में, अब इन सारे टर्म्स को मैं तुमको डायग्रामेटिकली समझा दूं क्या, इन सारे टर्म्स को और इजी कर दिया जाए क्या, तुमको समझा दिया जाए कि कैसे होता है ये सब, तो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। सत्यजीत सावन आपका वेलकम करें, कैसे वेलकम करें बच्चे, बता क्या इच्छा है तेरी, कैसे क्या चाहता है तू, किस तरीके से वेलकम करना चाहता है तू। चलिए तो देखो भैया, ये जो टर्म्स पड़े हैं, अब इसका जो है डायग्रामेटिक तुम लोग देखो, व्यू एक पिक्चराइजेशन की तरह समझो, क्योंकि विजुअल मेमोरी मुझे पता है तुम लोगों की बहुत ज़्यादा है। तुम लोगों को थ्योरी पढ़ा दो तो तुम लोगों की जान निकल जाती है, बट अगर तुमको विजुअलाइज करा दो चीज़ें तो तुम लोग समझ जाते हो, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चाहता हूँ कि तुमको चीज़ों को विजुअलाइज करके ज़्यादा अच्छे से समझा पाए, इसलिए बड़े बड़े डायग्राम्स और बड़े बड़े फ्लोचार्ट मेरी क्लासेस में जनरली होते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज अ चार्ट। ये क्या है, एक चार्ट है, समझ लो बात को, ये क्या है, एक चार्ट है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है, समझ गए, ये हमारा पेरेंट है। इसके जो ऑफस्प्रिंग है, इसके ऑफस्प्रिंग तुम देख सकते हो कि उनमें वेरिएशन कहाँ पे है। मैक्सिमम कैरेक्टर तो तुमको दिख रहे होंगे कि सर बॉडी कलर जो है वो तो मैच कर रहा है पेरेंट से, बट देयर इज अ वेरिएशन। ये सिंबॉलिक डायग्राम है भैया, ऐसा मत सोचना कि सर हरे कलर का मुंह आ जाता है क्या, ये सिंबॉलिक डायग्राम है जो मैं तुमको समझा रहा हूं। हेलो रूबी, हाउ आर यू बच्चे, सिंगल पेरेंट, ये जो बच्चे ना टेढ़ू मेढ़ू टाइप, ये पूछ सकते हैं ऐसे सवाल कि सर सिंगल पेरेंट, बच्चे सिंबॉलिक डायग्राम है, ये दोनों एक जैसे पेरेंट्स मान के चल तू, ठीक है, सिंबॉलिक डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूं। चलो देखो, तो हेड के अंदर क्या आई, वेरिएशन आई। तो वेरिएशन किस में देखने को मिल रही है, बिटवीन द ऑफस्प्रिंग भी देखने को मिल रही है। वेरिएशन क्या होती है, जब डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर आते हैं बिटवीन द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के अंदर डिसिमिलर कैरेक्टर आते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, वेरिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं। जब तुम पेरेंट को देखोगे और तुम इन दोनों को देखोगे तो तुमको लग जाएगा कि यहां पे क्या है, वेरिएशन हमको देखने को मिल रही है। थोड़ा और नीचे जाओगे तो तुमको बॉडी कलर में भी वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, बॉडी कलर में भी वेरिएशन देखने को मिल रही है, मतलब कैरेक्टर तो इनहेरिट हो रहे हैं। ये क्या है, इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ पे, इनहेरिटेंस हो रही है, इनहेरिटेंस हुई, वेरिएशन आई। अब तुम मानोगे बॉडी कलर क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर है, तो ये आगे जाया जा रहा है, ये आगे जाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये आगे भी तुम लोग देखोगे कि इस पेरेंट का कैरेक्टर यहां पे दिख रहा है, और यहां पे तुमको दो रिकॉम्बिनेंट भी दिख रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, रिकॉम्बिनेंट बन गए यहां पे, और दोनों ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसके दूसरे ऑफस्प्रिंग की बात करूं और उसके ऑफस्प्रिंग की बात करूं, तो इनके अंदर नहीं आ रही है वेरिएशन, इनके अंदर ज्यादा नहीं आ रही है वेरिएशन, इनके अंदर सब कुछ कैसा है, येलो इसका जो बॉडी कलर है, यहाँ पे हेड कलर तुम देखोगे तो कांस्टेंट रहा, यहाँ बॉडी कलर कांस्टेंट रहा, तो कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर में चीजें बदल रही है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये डायग्राम, समझ लो वेरिएशन किस तरीके से आ रही है, समझ गए बात को, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अक्रेंस ऑफ डाइवर्सिटी ओवर द नेक्स्ट जनरेशन, तुम लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी आ सकती है, और बहुत एक मैं बोलूं डिसेंट अमाउंट की डाइवर्सिटी है, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा दिख रहे हैं इस वाली के अंदर, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है, इस वाली के अंदर तुमको पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे हैं, और यहां पर तुमको रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल रहे हैं माई डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो इस बात को। तो इस तरीके की चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये डायग्राम कितने अच्छे से तुमको बता रहा है कि इनहेरिटेंस, वेरिएशन और रिकॉम्बिनेंट का पैटर्न किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, समझ गए बात को। चलिए अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गई है यहां पे तीनों टर्म सारे, तो लाइक करके बताओ यार, 111 हुए, 191 की हमारी बात हुई थी, जल्दी, ओके सिमरन, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल टेढ़ू मेढ़ू जी, अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से चल रही चीजें। चलिए
फीजान बेगम शहीद बच्चे 1 2 1 2 3 2 पेरेंटल कैरेक्टर और रिकॉम्बिनेंट क्या है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर क्या है जो पेरेंट के अंदर, पेरेंटल कैरेक्टर क्या है जो पेरेंट के अंदर है, पेरेंट का बॉडी कलर और सब कुछ, जैसे रेड फ्लावर हमने बात की और व्हाइट फ्लावर की बात की, वो क्या है पेरेंटल है। अगर रेड और व्हाइट फ्लावर ही ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे पेरेंटल कैरेक्टर, अगर पिंक आ गया तो उसको क्या बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, नया कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, नया कॉम्बिनेशन, समझ गए, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं, कीप लाइकिंग बच्चों, लाइक करते रहो तभी अच्छा लगेगा, तभी मजा आएगा हम लोगों को, जल्दी से लाइक बढ़ाते रहो। अब इस फ्लो चार्ट को देख के बताओ मुझे कि जेनेटिक कितने तरीके की है, इस फ्लो चार्ट को देख के बताओ मुझे कि जेनेटिक्स कितने तरीके की दिख रही है तुमको, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स दिख रही है, पहली क्या टाइप है हमारा ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा क्या टाइप है हमारा मॉलिकुलर जेनेटिक्स, और तीसरा क्या टाइप है हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये तीन तरीके हैं जेनेटिक्स के, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये तीन तरीके हैं जो हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं, समझने हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है। गिरजानंद शर्मा आप प्लीज़ जल्दी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा समझने में। आकाश, प्रकृति, शिव, सिमरन एंड अमन सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो तुम लोग, किशन प्रजापति बिल्कुल आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए पर क्लास में थोड़ा आप जल्दी आए बच्चों तभी जाके समझ में आएगा, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आए और पढ़ सके। बहुत अमेजिंगली हम इस चैप्टर को अच्छे से कर रहे हैं, तो यू हैव टू शेयर दिस, यू हैव टू शेयर दिस टू ईच एंड एवरी वन। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या होती है, ये हमारा जो पहला टर्म है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स उसके बारे में बात करेंगे। इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये तो सिंपल सी बात है कि सर हेरिडिटी की यहाँ पे बात कर रहे हो आप, हेरिडिटी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि बेसिक जेनेटिक्स है जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, वो कौन सी जेनेटिक्स है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है। हम कौन सी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, समझ गए बात को। मॉलिकुलर जेनेटिक्स की बात करेंगे हम तो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन एट अ मॉलिकुलर लेवल। किस कौन से लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे, मतलब जीन जीनोम के लेवल की बात चल रही है, कोडोन के लेवल की बात चल रही है, डीएनए की बात चल रही है कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट होता है, किस तरीके से प्रोटीन बनते हैं, किस तरीके से ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीज़ें होती है, और एक्सप्रेशन ऑफ जीन किस तरीके से होता है कि मानी कि जो जीन प्रेजेंट है उसका एक्सप्रेशन हमारी बॉडी में क्या है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या है, उसकी बात होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो साइमा, बिल्कुल समझ गए बात को, समझ गए। तो दूसरा हम जो जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, अगला जो चैप्टर है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर हम मॉलिकुलर जेनेटिक्स की बात भी करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़ने वाले। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तुम सभी को। आगे ये बात करेंगे तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करेंगे। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉज एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मेंडल्स के लॉ, ठीक है, और उनकी जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला पार्ट हम पहले पढ़ेंगे और ये सेकंड वाला पार्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, समझ गए, क्योंकि ये एकदम ही डिफरेंट फिनोमिना से डील करने वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, इसके अंदर हर चीज़ है जो कि हमको डिटेल में प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये अपने आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए बात को, बिल्कुल। शहराजा लकी जी बिल्कुल सही बात है। सत्यजीत स्वामी सर एटम और सेल में कुछ सिमिलरिटी है क्या? एटम इज ऑल्सो अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है। अगर हमें नॉन लिविंग की बात करेंगे तो एटम इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, और सेल क्या है, लिविंग बींग्स के अंदर एक बेसिक यूनिट है। तो दोनों अपनी अपनी जगह एक बेसिक यूनिट है बच्चे, जो आपने सवाल पूछा है सत्यजीत स्वामिन। चले चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक्स नहीं आ रहे हैं अभी तक, वो लाइक्स नहीं आ रहे हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। मेंडल्स लॉ क्या है, गिरजानंद शर्मा, मेंडल्स के लॉ वो है जो जेनेटिक्स बना रहे हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में, चिंता मत करो आप, बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस,
थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्री मेंडेलियन, मेंडल से पढ़ने भी, मेंडल के आने से पहले भी दुनिया थी, मेंडल तो आए और सब कुछ कर गए जेनेटिक्स के बारे में, पर मेंडल के आने से पहले की दुनिया कैसी थी उसको जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर तुमको पहले की दुनिया नहीं पता होगी तो तुम मेंडल के काम की इज्जत नहीं कर पाओगे, मेंडल के जो एफर्ट्स थे उसके बारे में उसकी उतनी रेस्पेक्ट तुम्हारे मन में नहीं हो, कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है ये समझने के लिए, उनसे जो पहले की जेनेटिक्स है उसको समझना ज़रूरी है, कि उन्होंने क्या बातें करी और कैसी बातें करी, और अगर वो बातें चलती तो हम किस तरीके से समझ पाते कि जेनेटिकल हिस्ट्री क्या होती है, और आज बहुत सारी बीमारियों का इलाज वो पैटर्न समझ के तो नहीं कर सकते थे जो इन लोगों ने दिया। यानी कि प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स का पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की जो रिचनेस है, या मैं बोलूँ जो पावर है, उसको समझ सकें, समझ सके कि जो कंसेप्ट दिए हैं मेंडल ने ये इतने ज़रूरी और इतने अहमियत क्यों हैं, क्योंकि वो लिखते और पढ़ते टाइम तो बहुत सिंपल लगते हैं, डोमिनेंस सर, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया है, इसमें तो कुछ नहीं बताया है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेंडल ने ऐसा क्या बता दिया, दो कैरेक्टर देके जो आ गया उसको डोमिनेंट ही तो बोल दिया, कि भैया वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, उसको समझने के लिए तुमको प्री मेंडेलियन समझना पड़ेगा, और प्री मेंडेलियन समझने के लिए आइए रेडी रहो कि प्री मेंडेलियन होने से पहले कितने सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या बातें बोली और कैसी कैसी बातें बोली, और वो बातें कितनी जस्टिफाइड थी और कितनी नॉन जस्टिफाइड थी, ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो प्री मेंडेलियन की बात करेंगे, तो उससे पहले हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। पहले क्या माना जाता था, पहले ये सब नहीं माना जाता था कि पेरेंटल कैरेक्टर अलग है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर अलग है, पहले की दुनिया में ये चलता था कि भैया आधे कैरेक्टर आएंगे और मिक्स हो जाएंगे, समझो जो हम बात कर रहे थे कि रेड और वाइट आएगा तो पिंक बन जाएगा, ये समझती पहले मेंडल के पहले की दुनिया में ये माना जाता था कि ब्लेंडिंग होती है, मिक्सर होता है। यस सिमरन बोलिए क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हेलो आकाशनी, बिल्कुल हर्ष, बहुत सारी जो थ्योरीज रॉन्ग है इसमें हम देखेंगे उसको भी। चलिए तो बात हम कर रहे थे किस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज आई ब्लेंडिंग हुई जीन्स की, यानी कि मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स की बात इन्होंने बहुत ज़्यादा करी, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स की बात इन्होंने बहुत ज़्यादा करी। पहली थ्योरी थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जो कि पाइथागोरस ने दी थी, पाइथागोरस एक बहुत पहुंचे हुए साइंटिस्ट माने जाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, ठीक है। मनदीप कौर सिंह सर पंजाबी बोलो, बिल्कुल पंजाबी बोलेंगे जब आप मिलेंगे हमसे, जरूर से बोलेंगे, कैसे हो तुसी, सब बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड थ्योरी की बात करेंगे, तो फ्लूइड थ्योरी भी एक और ऐसी थ्योरी थी जो कि एरिस्टोटल ने दी थी, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कुछ जो ज़रूरी है। परफोरेशन थ्योरी आई जो कि समरेंडन ने दी थी, और पार्टिकुलर थ्योरी जो कि मैन्युफैक्चरर्स ने दी थी, थ्योरी ऑफ पेन जेनेसिस डार्विन की दी हुई है, और थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म लॉस जो कि वाइज मैन ने दी थी, और ये पूछा था नीट के अंदर 2017 के पेपर में, और इससे पहले 2013 के पेपर में भी ये बात पूछी हुई है कि जो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म लॉस है वो किसने दी थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म लॉस है वो किसने दी थी, तो वो दी थी हमारे वाइज मैन ने, ठीक है, किसने दी थी, वो वाइज मैन ने दी थी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म लॉस, समझ गए बात को समझ गए, बिल्कुल वेरी गुड, तो सिर्फ ठीक हो तो सब ठीक है। चलिए मॉइस्ट वेपर थ्योरी की बात करेंगे हम लोग, मॉइस्ट वेपर थ्योरी जो कि पहली थ्योरी थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीके थी, ये इन्होंने दी थी जो जनाब है पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रपोज दैट द ड्यूरिंग द कोइटस ऑफ द इंटरकोर्स मॉइस्ट वेपर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ मेल्स बॉडी गेव राइज टू अ सिमिलर बॉडी इन फीमेल्स वूम, तो ये बहुत ही एक मैं बोलूँ इररिलेवेंट या फिर अनसाइंटिफिक सी बात थी कि मेल बॉडी के हर पार्ट से वेपर्स निकलेगी और देन इट इज ट्रांसफर टू द फीमेल वूम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये पूरी तरीके से गलत थ्योरी थी, डिस्कार्डेड थ्योरी थी और ये फेल होनी ही थी, समझ लो। ऐसी बातें भी प्री मेंडल से हुई थी, मेंडल के पहले लोगों ने ऐसी बातें करी थी,
तो तुम सोच सकते हो कि मेंडल का काम कितना ज़्यादा अहम और कितना अच्छा और कितना अच्छे लेवल पे उसने किया है। समझ रहे हो तुम मेंडल के काम की इज्जत? बिल्कुल अमन, सही बात है, ये इम्प्रैक्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड थ्योरी की हम बात करेंगे तो फ्लूइड थ्योरी में भी कुछ इसी तरीके की बातें करी गई है। एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट द मेल्स सीमन वॉज हाईली प्योरिफाइड ब्लड एंड द फीमेल्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वॉज अ फीमेल सीमन विच इज नॉट प्योर एज मेल सीमन। तो ये बहुत ही एरिस्टोटल ने बहुत गलत सी बातें करी है। एरिस्टोटल को हम बहुत मानते हैं, ठीक है। दीज टू फ्लूइड कंबाइंड ड्यूरिंग द कॉइटस, और ये कॉइटस के ड्यूरिंग कंबाइन होते हैं। फीमेल सीमन जो है वो इनहेरिट फ्लूइड होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड वाइटलिटी कौन देता है? मेल सीमन। तो ऐसी ऐसी बातें इन्होंने करी जो कि जायज़ नहीं थी। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सेवन स्केल्स, आप बिल्कुल रोइए ना, बिल्कुल खुश रहिए, बी ए हैव अ स्माइलिंग फेस। बिल्कुल बिल्कुल ये ज़्यादा भयानक हो गई, बट ये बहुत ही ज़्यादा अनसाइंटिफिक थ्योरी थी और इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था कि तुम लोग समझ सको कि कैसी कैसी बातें एरिस्टोटल जैसे साइंटिस्ट भी कर सकते। समझ गए बात को? तो ये जानना है तुमको सभी को। बिल्कुल ऋतु, बहुत सही आपने लिखा है, बिल्कुल वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। एनसीईआरटी से अपर लेवल का बच्चे टेढ़ू मेढ़ू थोड़ा सा चलना पड़ेगा अपन को, वरना अगर अपन टेढ़ू मेढ़ू चलेंगे नहीं तो थोड़ा सा क्या है, हमारे कंसेप्ट टेढ़ू मेढ़ू हो जाएंगे, समझ लो। तो थोड़ा सा जान ले, क्योंकि जो प्लॉट है एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी ग्रंथ है बच्चे, एनसीईआरटी बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है। एनसीईआरटी तो सबके पास है, पेपर तो एनसीईआरटी में से आएगा, एनसीईआरटी तो किताब है ही, वो तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, पर एनसीईआरटी को पढ़ोगे कैसे, उसमें क्या है वो समझोगे कैसे, वही तो जरूरी है, उसका प्लॉट तो सेट करना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़े। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस की बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस किसने दी थी? डार्विन ने दी थी, 1868 में दी थी। थॉट दैट एवरी सेल्स ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड गैम्यूल्स और पेंगिन, ठीक है, पेंजिन या उसको क्या बोला गया, गैम्यूल बोला गया, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस गैम्यूल्स और पेंजिन, इट कंटेन बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एंड वेरिएशन। इसमें क्या होती है, बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एंड वेरिएशन दोनों इसमें होती है, दोनों चीजें इसमें होती है। समझ गए बात को? ऑल द गैम्यूल और पेनजेनेसिस ऑफ द बॉडी सेल्स कलेक्ट इन द गैमेट एंड पास टू द जायगोट। ये बात इन्होंने बोली थी, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस और जायगोट, थोड़ा बहुत साइंटिफिक साउंड कर रही थी ये, थोड़ा बहुत साइंटिफिक साउंड कर रही थी ये थ्योरी, ये थ्योरी कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा बता रही थी। समझ गए बात को? तो बच्चे 150 लाइक्स के अंदर अभी थोड़े लाइक्स कम है, जल्दी से उसको बढ़ाओ और फटाफट से उसको 150 तक लेके जाओ। और जो चार बच्चे जिन्होंने डिसलाइक किया है उनको मुझे जरूर से बताएं, बिल्कुल आप डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो ज़रूर से बताएं कि उनको कहा क्या समझ नहीं आया, सो दैट आई कैन हेल्प देम। बिल्कुल आकाश, विल अपन मिलेंगे जब आप आएंगे। ओके चलिए आगे बात करेंगे तो अब थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार थ्योरी, जो कि अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई थी उसके बारे में बात करेंगे। अगस्त वाइजमैन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जर्म प्लास जो है वो इमॉर्टल है और पास करता है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन। तो हमारी बॉडी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक तो होता है भैया जर्म प्लास, और एक होता है प्रोटोप्लाज्म, सॉरी सोमेटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म। तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को ही दो पार्ट में बता दिया, ठीक है। जर्मप्लाज्म जो कि आने वाली जनरेशन के अंदर जाएगा, सोमेटोप्लाज्म जो कि हमारी बॉडी को बना रहा है और ये मॉर्टल होता है, ठीक है। और ये जब ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है तो उसका सोमेटोप्लाज्म वहीं वैनिश हो जाता है, पर जर्म प्लाज्म उसकी आने वाली जनरेशन तक दिखेगा। ऐसे ही मैं अभी अभी ने तुमको एग्जाम्पल दिया था दादाजी नाना जी वाला, तो वो जर्म प्लाज्म है जिसकी वजह से आज उनको याद किया जा रहा है, ना कि सोमेटोप्लाज्म, समझ गए। तो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म को डिवाइड करके उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में दो ऐसे सेल्स, दो ऐसी चीजें हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है, और एक वो है जो कि नहीं जा सकती, जिसको सोमेटिक सेल्स या फिर सोमेटोप्लाज्म बोला गया।
ध्यान रखना ये बात, हमारी बॉडी दो टाइप के सेल्स से बनती है, एक तो जर्म सेल्स और एक सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्मिनल सेल्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, और सोमेटोप्लाज्म जो कि हमारी बॉडी के जनरल रिपेयर और फंक्शनिंग के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं उनको बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म, जो कि सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए है, और जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए कौन था, जर्म प्लाज्म था, और जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए कौन था, जर्म प्लाज्म था। समझ गए बात को, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो, आपको समझना चाहिए इस बात को। समझ गए सभी बच्चे बात को समझ रहे हैं, तो 150 फटाफट, फिर 200, फिर 250, ये इस तरीके से चलना है हमको, फटाफट लाइक्स बढ़ाते जाओ, जल्दी से लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए, और ये अमेजिंग लेक्चर इसी तरह से चलना चाहिए। ठीक है, ओके देन आगे बढ़े। बिल्कुल तेजाश्री विद्यानंद बोरसे पाटिल, बहुत अच्छा नाम है आपका, थैंक यू सो मच। अभिषेक कुमार, थैंक यू सो मच। मनदीप, आ गया समझ, सानू समझ आ गया, चलिए बढ़िया है। शिवम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हेलो श्रद्धा, चंदन, करण, सभी बच्चों को समझ में आ रही है चीज़ें, वेरी गुड, चलिए जी बहुत बढ़िया। चलो, सोमेटोप्लाज्म क्या था, जो फॉर्म करता है बॉडी जो कि मॉर्टल है। देखो इसने इतनी अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि जो जर्म प्लाज्म है उसको हम इमॉर्टल बोल सकते हैं, जर्म प्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं, इमॉर्टल बोल सकते हैं, क्योंकि जीन जो जीनोम है वो आगे ट्रांसफर हो पाएगा, बट सोमेटोप्लाज्म जो है उसको इसने क्या बोला, मॉर्टल बोला, कि ये बॉडी खत्म होने के बाद ये सेल्स आगे नहीं जाएंगे, इनका काम यही खत्म हो गया, पर ये आगे वाली जनरेशन में तुमको देखने को मिलेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। तो बहुत बढ़िया ये थ्योरी है, याद रखेंगे इसको, ये पूछी गई है नीट के अंदर कई बार, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म जो कि वाइसमैन ने दी थी, मैंने पहले ही बोला था ये नीट के अंदर 17 और 13 के अंदर पूछे गए हैं इस थ्योरी पे सवाल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट में हम जाएंगे लेक्चर खत्म करने से पहले, पर थोड़ी बातें करेंगे, द मैन बिकॉज ऑफ होम वी आर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक्स, द लेजेंड सर ग्रेगोर जॉन मेंडल इज अ लेजेंड ऑफ बायोलॉजी, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड इज बॉर्न इन 1822 एंड ही लिव्ड अप टू 1884। तो कुछ बात, कोई बहुत ज्यादा इन्होंने जीवन अपना व्यापन नहीं किया है, छोटे से जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आज हम और आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि समझना इसके पहले वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें इन्होंने बताई, जेनेटिक्स को एक स्ट्रक्चरल वे में तैयार करके हमको हमारे सामने रखा कि ये लॉज है जेनेटिक्स के, ये नियम है, ये अनुवांशिकता के नियम है जो तुम लोगों को समझने ज़रूरी है। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल, सर ग्रेगोर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल, जिनका जिनकी ख्याति इनके मरने के बाद हुई 10 साल बाद, जिनको 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उस समय के लोगों ने इनके काम को अपनाया नहीं, उन्होंने माना नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज इन्होंने अपने समय पे अपने समय के आगे वाला काम करके दुनिया को दिखाया है। तो दिस इज द मैन यू हैव टू बी लाइक, समझ लो, दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी। समझ गए बात को, तो इन्हीं के कारण आज हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने समय में वो काम किया जिसका उनको रिजल्ट 10 साल बाद मिला मरने के, वो भी 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस, टीवी ट्रेचरमर्क, जैसे 3 साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, ह्यूगो डिवेरिस, ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आए और इनको डिस्कवर किया, इनके लॉस को पढ़ा और बताया दुनिया को कि एक आदमी थे जिन्होंने चर्च के अंदर ही प्लांट हुआ के ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिससे दुनिया को जेनेटिक्स समझ में आ गई। बच्चों समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किए हैं। तो सर ग्रेगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत अलग अप्रोच रखी इन्होंने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीज़ों को इन्वॉल्व किया बायोलॉजी के अंदर, और बताया कि बायोलॉजी इज नस्ट नॉट द सब्जेक्ट टू मेमोराइज और रीड, यू हैव एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी ऑल्सो, यू कैन डील द बायोलॉजी, यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इन द बायोलॉजी ऑल्सो। समझ गए, तो बायोलॉजी की जो दुनिया थी उसको बहुत वास्ट करके इन्होंने हमको समझाया है।
सर ग्रिगोर जॉन मेंडल की बहुत हमको रेस्पेक्ट करनी है, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये कहाँ पढ़े बड़े हुए। ये ही ग्रू अप ऑन अ फार्म इन हाइनेस जो कि अब हेंस जेंडवर्फ में है, विच वॉज देन अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का पार्ट थे वो, एंड नाउ इज अ पार्ट ऑफ चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक का पार्ट था हाइन्स जेंडवर्फ, वहाँ पर ये पैदा हुए और उस समय वो ऑस्ट्रिया के अंदर था और अभी वो कहाँ है, चेक रिपब्लिक के अंदर है। ठीक है, एज अ यंग बॉय ही वर्कड विद अ फादर ग्राफ्टिंग ट्रीज टू इम्प्रूव द फैमिली ऑर्किड, अ रूलर अपब्रिंगिंग टॉट हिम द प्लांट एंड एनिमल्स हस्बेंड्री इंस्पायर्ड हिम टू इंटरेस्ट इन द नेचर, एंड व्हेन ही वाज अ प्रीस्ट इन द चर्च, जब ये एक प्रीस्ट की तरह काम कर रहे थे चर्च के अंदर, और वहीं उस चर्च के अंदर इन्होंने अपनी जो थी एक्सपेरिमेंटल खेती या प्लांट की कल्टीवेशन स्टार्ट करी, उसको एनालाइज करा, बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको ग्रो करके देखा, उसके कैरेक्टर को समझा और एक थ्योरी बनाई और एक लॉज बनाए, वो लॉज दिए जो कि काफ़ी हद तक जेनेटिक्स को समझाने में सफल रहते हैं, जो काफ़ी हद तक जेनेटिक्स को हमारे बारे में जेनेटिक्स के बारे में बताने के लिए कारगर साबित हुए हैं। तो 1820 या फिर 1850 की जो बात थी उस समय इनके इन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ बायोटेक, वी हैव इंट्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव अ ह्यूज सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड जीन, टू अंडरस्टैंड जेनेटिक पैटर्न, टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिजीजेस, एंड वी हैव अक्वायर्ड ऑल दिस बिकॉज ऑफ सच बेसिक कंसेप्ट गिवन बाय सर ग्रिगोर जॉन मेंडल। बिल्कुल रणदीप सिंह जी, लेक्चर रोज होंदा है, 12 बजे होंदा है, TTS होंदा है, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एंड टेक द लेक्चर। बिल्कुल, ये कहाँ के थे गिरिजानंद शर्मा, ये ऑस्ट्रिया के थे तब, और अभी वो जगह चेक रिपब्लिक में है, समझ गए। तो जो बच्चे नए हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे पुराने हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताओगे कि तुमको समझ में आया या नहीं आया, और इसको शेयर करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सबके पास ये लेक्चर जाना चाहिए, उनको बताओ कि कितना अच्छे से जेनेटिक्स हम लोग आज पढ़ के आए हैं, और इस तरीके से अगर तुमको जेनेटिक्स पढ़नी है तो तुम राहुल सर से मिल सकते हो, यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट के वो मिलते हैं, TTS 12 बजे आते हैं और बहुत अच्छा जेनेटिक्स आजकल पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू शेयर इट। बिल्कुल सिमरन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर लाइक एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल, शेयर दिस टू ऑल and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification and you can be notified each and every moment when you want to study, you can study. We will meet again, till then stay safe bachcho, I'm proud of you the way you guys are doing, and we will see you soon, take care, bye bye, have a nice day, thank you so much.